और अब बात करते हैं कारोबार की। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह केंद्रीय बजट अनुमान के 14 लाख करोड़ के मुकाबले 16 लाख 60 हजार करोड़ से ज्यादा रहा। यह अनुमानों से करीब 16.97% अधिक। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल कॉरपोरेट कर संग्रह 10 लाख 4 हजार 118 करोड़ रुपए रहा। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 20 करीबन 16.5% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। गूगल अब विज्ञापन दाताओं के लिए कुछ सर्च विज्ञापनों पर नीले चेक मार्क प्रदर्शित करने का प्रयोग कर रहा है, जिन्हें गूगल विज्ञापनों द्वारा वेरिफाइड किया गया है। ट्विटर और मेटा से प्रेरित होकर ये काम कर रहा है गूगल। पिछले 5 वर्षों के दौरान एनएससी ने कुल 32 ब्रोकरों को किया है डिफॉल्टर घोषित। संसद में दी गई ये जानकारी और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि सेबी एक्सचेंज के साथ कुछ मानदंडों के आधार पर दलालों का नियमित निरीक्षण करता है और एक्सचेंजों के नियम और उप नियमों के अनुसार कार्रवाई भी करता है। देश में वित्त वर्ष 2022-23 में फरवरी तक 11 महीनों में 31 लाख टन से ज्यादा स्टील का उपभोग हुआ। पिछले वित्त वर्ष में मार्च तक यह आंकड़ा 30 लाख टन था।